हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नए ताजा तरीन एग्जांपल्स लाता रहता हूं, जिससे आपके लाइफ में कभी भी किसी तरीके का कोई स्कैमर, किसी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड ना कर सके। इसलिए मैं हमेशा ये चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको हमेशा कुछ लेटेस्ट एग्जांपल्स के साथ मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे कि नए नए जो भी स्कैमर्स फ्रॉड के तरीके ढूंढ रहे हैं और नए नए तरीकों से फ्रॉड कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उन फ्रॉड्स के चक्कर में ना फंसें और आपका कभी भी बैंक अकाउंट खाली ना हो। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये देखा जा रहा है कि क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान पॉर्न साइट को इंटरनेट खोल लेता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पर हर चीज देखते हैं, हर चीजों में हम कभी कभी पॉर्न साइट भी खोल लेते हैं और हम देखने लगते हैं। हमारी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, वो जो ट्रैकर्स होते हैं, वो ट्रैकर्स ट्रैक करते रहते हैं, वो किसी भी अननोन आदमी की ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक कर लेते हैं। क्योंकि जितना हम अपने आप को तेज समझते हैं इस आईटी फील्ड में, उतना ही स्कैमर्स जो होते हैं वो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि स्कैमर्स का और जो हमारी सरकार है उसने जो अपने आदमी बिठा रखे हैं इनको पकड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों में एक सिमिलैरिटी है। क्योंकि यहाँ पर भी एक आदमी बैठा है जो स्कैम कर रहा है नई टेक्नोलॉजी से, और एक यहाँ आदमी हमारी भारत सरकार का बैठा है जो इन लोगों को पकड़ रहा है। बट दोनों में पूरी साल भर कंपटीशन चलता है, जद्दोजहद चलती है, कभी पकड़े जाते हैं कभी नहीं पकड़े जाते हैं। बट अल्टीमेट होता क्या है, लोगों की जेब तो खाली हो ही रही है। अब आपके पास मैसेज आएगा कि क्योंकि आप पॉर्न साइट्स पर हमेशा देखे जाते हैं, मतलब आप पॉर्न साइट्स को देखते हैं, पॉर्न वीडियोस को देखते हैं, इसलिए भारत सरकार ने आप पर निगरानी रखते हुए इतने अमाउंट का 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्योंकि भारत सरकार कहती है कि पॉर्न साइट्स को देखना हिंदुस्तान के अंदर बैन है। इस तरीके का मैसेज आपको पॉपअप आएगा। जो हो सकता है कि जब आप पॉर्न साइट खोल रहे हों या खोल चुके हों या वीडियो आप जब देख रहे हो, तभी एक पॉपअप आए और उसमें ये चीजें लिखी हुई हो कि आप पर इतना जुर्माना लगा हुआ है। उसी के साथ साथ वहां पर एक और फ्लैश होगा, वहां पर एक आईपी एड्रेस के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक भी दिया होगा, जो किसी भी नाम से हो सकती है, india.gov.in/polish। इस नाम को देखकर भी आप घबरा जाएंगे कि पुलिस का, इंडियन गवर्नमेंट की पुलिस का यहाँ पर वेबसाइट भी दिख रही है, एक आईपी एड्रेस के साथ ये दिख रहा है और इस तरह का मैसेज भी आया है, तो आप बहुत डर जाएंगे। इसके साथ साथ आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा तुरंत कि क्योंकि आप बार बार एडल्ट वेबसाइट पर जाते हैं, पॉर्न साइट्स पर जाते हैं, आप उन पॉर्न साइट्स को देखते हैं, इसलिए भारत सरकार ने आपको ट्रैक किया है। और क्योंकि हिंदुस्तान में पॉर्न साइट्स को देखना बैन कर दिया गया है, बट उसके बावजूद आप इलीगल कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार आप पर इतना जुर्माना लगा रही है। आप इस पेमेंट को दिए गए नीचे वाले लिंक पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस पेमेंट को नहीं करते हैं तो पुलिस आपके घर आएगी और आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। अब इतना सब ये मैसेज देखने के बाद आप घबरा जाएंगे, आपको लगेगा कि जो मैसेज आया उस पर मैं पेमेंट कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले बात ये आती है कि इतना सारा जो डेटा होता है ये कैसे स्कैमर्स कलेक्ट करते हैं। आजकल आईटी की दुनिया है और डेटा कलेक्शन करना आजकल चुटकियों का खेल रह गया है। क्योंकि हम बहुत सी जगह जाते हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, कभी कभी हम कहीं घूमने जाते हैं, कुछ वेबसाइट पर अपने आपको रजिस्टर्ड करते हैं, या अपनी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमें कुछ काम होता है तो वहाँ रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी होता है। कहीं ना कहीं इन सब साइट से हमारा जो डेटा होता है वो स्कैमर्स के पास पहुँचता है, या कह लीजिए कि सेल होता है और वहाँ तक पहुँचाया जाता है, क्योंकि जो बंदा सेल करता है उसको पैसा मिलता है। तो इस तरीके से आपके आईपी एड्रेस, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपका मोबाइल नंबर, ये सब डेटा स्कैमर जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। और जब पूरा किसी एक आदमी का डेटा उनके पास कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद वो उसको टारगेट करते हैं और इस तरीके के स्कैम में फंसाते हैं। अगर आप उनके दिए हुए मैसेज पर नीचे जाके पेमेंट कर देते हैं, तो वो आपसे फिर दोबारा से किसी ना किसी तरीके से पेमेंट करेंगे कि आपने पेमेंट तो कर दिया था बट क्योंकि अभी क्लोज नहीं हुआ है। भारत सरकार की तरफ से ये एक मैसेज जारी किया गया है कि पुलिस आपके घर आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इतना पैसा पेमेंट कर दीजिए। तो होगा क्या कि बार बार आपको किसी न किसी
एक मैसेज उलझाने वाले स्टाइल में भेजा जाएगा और आपसे बार बार पैसे को वसूलने की बात की जाएगी, क्योंकि जब तक वो आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं कर देंगे या जब तक आपको इस लेवल तक नहीं ले आएंगे कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तब तक वो आपको परेशान करते रहेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ये रहता है कि आपसे परेशान करना आपको और आपके अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लेना इसी बहाने से। तो हमेशा सबसे पहले ये ट्राई करिए कि आपको किसी भी पॉन साइट पर नहीं जाना है, आपको किसी भी इलीगल तरीके से आपको किसी भी कंट्री की या हिंदुस्तान की किसी भी देश की पॉन साइट को नहीं ओपन करना है। इसके बाद आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर आप गलती से इस तरीके की पॉन साइट को आपने खोला है, रिसेंटली आपके साथ इस तरीके का केस हुआ है या होने वाला है या चल रहा है, तो आपको इस तरीके के मैसेज को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट साइट से नहीं भेजा जाता है मैसेज। हाँ, ये जरूर है कि हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि पॉन साइट जो है वो इंडिया के अंदर बैन है, आप उसको नहीं देख सकते, बट उसको देखने के कई सारे कुछ और क्लॉजेज हैं कि किस लिमिट तक आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस लिमिटेशन तक आप पॉन साइट्स को ओपन कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो वीडियो था उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना ये था कि अगर आप कोई पॉन साइट देखते हैं और उस पर आपको किसी तरीके इस तरीके का मैसेज आता है या आपसे आपके मोबाइल पर इस तरीके का मैसेज भेजा जाता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इस तरीके केस में आपको कोई डरना नहीं है, क्योंकि ये सब जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो इस तरीके से प्रोग्राम की जाती है कि आपको टारगेट किया जाता है, आपके साथ पैसा वसूलने का एक प्रोग्राम फिट किया जाता है और इस टारगेट को पूरा प्रोग्राम करने के बाद आपसे पैसे की वसूली की जाती है, क्योंकि आप डर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है और इस तरीके की किसी वेबसाइट को आपको ओपन नहीं करना है जिससे कि आप इस तरीके के फ्रॉड कर सकें। तो गाइस, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि आपको आगे भी इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक मेरा दूसरा चैनल है शूट माय स्टाइल, आप जाकर वहां पर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी मैं कुछ इसी तरीके के स्कैम से रिलेटेड वीडियो डालता हूं और वो मेरा काफी पुराना चैनल है, तो आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी क्वेरी हो जिसका आंसर आपको उस चैनल पर मिल जाए। तो ओके गाइस, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय नमस्कार, और प्लीज मेरे इस चैनल साइबर सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा को फॉलो जरूर करें। टाटा बाय बाय नमस्कार।